नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, वैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको पता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का विवाद कई सारे कलाकारों से होता है, जिसमें प्रमुखता के साथ अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वो पवन सिंह है। पवन सिंह के अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो रितेश पांडे से भी वो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। इसके अलावा समर सिंह की बात कर ले, आए दिन कल्लू को लेकर भी विवाद हुआ था, और अभिनेत्रियों में भी कई सारे अभिनेत्रियों का नाम है। तो खेसारी लाल यादव लगातार जो है वो वार करते नजर आते हैं, अपने विरोधियों पर निशाना भी साधते नजर आते हैं। और उन विरोधियों में जब एक बार काफी बड़ा मामला हुआ था टिकट को लेकर, फॉरेन कंट्री में जब गए थे खेसारी लाल यादव, तो उस समय रितेश पांडे लाइव आकर खेसारी लाल यादव को भली भांति सुना दिए थे, जिसके बाद खेसारी लाल यादव भी लाइव आकर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं दी, और वहां से खेसारी फैंस ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रितेश पांडे को जो है वो जमकर लताड़ते नजर आए। उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि ये लोग अभी भी एक साथ नजर नहीं आ सकते हैं, और खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे या पवन सिंह कभी भी एक साथ मंच पर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इस बीच खेसारी लाल यादव का जन्मदिन भी था, पवन सिंह का जन्मदिन भी था, रितेश पांडे का जन्मदिन भी था, उनके एनिवर्सरी भी था। उसमें भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव ना ही हिस्सा लिया और ना ही इन लोगों को बुलाया। लेकिन आज शिक्षक दिवस के मौके पर मानो कि खेसारी लाल यादव शिक्षक हों और रितेश पांडे उनके छात्र हों। शिक्षक दिवस के मौके पर खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे की मुलाकात हो गई। एक विद्यालय के कार्यक्रम में खेसारी लाल यादव पहुंचे थे, वहां पर सम्मानित किए, लड़कों को सम्मानित किए, बच्चों को सम्मानित किए, और वहां पर कुछ ही पलों बाद रितेश पांडे भी पहुंचे। हालांकि दोनों में काफी ज्यादा विवाद रहता है, कॉन्ट्रोवर्सी रहता है, लेकिन रितेश पांडे ने अपने बड़े भाई खेसारी लाल यादव को छोटे भाई का फर्ज निभाया और उन्होंने जाकर बकायदा खेसारी लाल यादव के चरण को स्पर्श किया, आशीर्वाद लिया, हाथ मिलाया। तो ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, और मुझे लगता है कि एक अच्छा मैसेज है, अच्छा संदेश है कि इतने बड़े विवाद के बावजूद भी एक दूसरे से जब बातचीत नहीं होती है, इसके बावजूद जब मंच पर एक साथ होते हैं तो वही संस्कार दिखता है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत खूबसूरत अच्छी तस्वीर है और बहुत अच्छी बात है कि इस तरीके का संस्कार हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में देखने को मिलता है, और मुझे लगता है कि अगर ये सारे लोग मिलजुल कर काम करें तो और भी ज्यादा एक अच्छा मैसेज जो है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए जाएगा। खैर, आपने भी वीडियो देखा होगा, आपने भी तस्वीर देखा होगा, इन तस्वीरों को देखकर, वीडियो को देखकर आपके अंदर क्या विचार उत्पन्न होता है वो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में धकाधक लिख दें। ठीक है, धन्यवाद।